प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाएंगे हम रेखीय आवर्धन। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि रेखीय आवर्धन से संबंधित बहुत सारे आपके आंकिक प्रश्न अथवा सूत्र स्थापित करने के लिए पूछे जाते हैं। आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से रेखीय आवर्धन का सूत्र स्थापित करते हैं अथवा रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन है क्या, इस विषय में हम देखेंगे। रेखीय आवर्धन किसी वस्तु की लंबाई और उसके प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु की लंबाई और उसके बने प्रतिबिंब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये देखा जाता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना ज़्यादा बड़ा है, इसे हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। और रेखीय आवर्धन का सूत्र हम स्थापित करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु ए बी है और इसकी किरणें, इसका प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश। ए बी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश। हमें देखना है कि ए डैश और बी डैश और ए बी में क्या संबंध है। माना रेखीय आवर्धन, माना कि रेखीय आवर्धन एम तथा वस्तु की ऊंचाई एच तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है, तो एम इक्वल होगा एच डैश अपॉन एच। इसे हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, एक चीज ध्यान दें, इन्हें हम चिन्ह सहित रखेंगे। कहने मतलब कि कार्तीय तल में आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो होगा, ऊपर जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जो दूरी होगी वो निगेटिव होगी। तो यहाँ देखें कि एम इक्वल एच अपॉन एच, तो यहाँ का निगेटिव किसकी, माइनस है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो नीचे की उल्टा बना हुआ, इसको माइनस एच लिखेंगे। अब देखें त्रिभुज, ये त्रिभुज है आपका और ये त्रिभुज है आपका, इन त्रिभुजों दोनों में देखेंगे आप त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, इन दोनों त्रिभुज देखेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप है, क्यों है, समकोण त्रिभुज है, साथ ही साथ ये कोण और ये कोण, मतलब कोण पी जो है दोनों में, ए पी बी और आपका ये कोण बी डैश पी ए, ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि परावर्तन कोण बराबर अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब ए बी पी, फिर क्या है, कोण त्रिभुज ए बी पी, ये समरूप है किसके, कोण ए वाला त्रिभुज जो है आपका, ये समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, इसके समरूप है। और समरूप होने पर क्या होता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है, कहने मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, संगत भुजाएं क्या, बी डैश पी अपॉन क्या है ये बी पी, ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ देखें ए डैश बी डैश मतलब ये एच है, माइनस एच डैश,
क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच डैश अपान ए बी, क्या है ऊंचाई एच है और ये क्या है एच डैश है, ये इक्वल होगा बी पी। बी पी क्या है, ये वस्तु की दूरी है, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं और इधर कार्तीय तल के अनुसार चिन्ह पर पार्टी के अनुसार ये माइनस में लिखा जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम माइनस, इसको यू लिखेंगे बी पी बी डैश पी और बी पी। बी पी क्या है, बी डैश पी क्या है, ये वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है जिसे हम बी से लिखते हैं। इसको लिखेंगे माइनस बी अपान माइनस यू, ये माइनस ए कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस एच डैश, बचेगा आपका कि माइनस एच डैश बटा एच इक्वल बी अपान यू, या इसको लिख सकते हैं कि एच अपान एच एच डैश अपान एच इक्वल हो जाएगा माइनस वी अपान यू। तो इस तरह से आप देखिए रेखीय आवर्धन एम बराबर होगा एच डैश अपान एच इक्वल माइनस वी अपान यू। इस वाल ये जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होगा, कहने मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात उनकी प्रतिबिंब से दूरी और वस्तु से दूरी के अनुपात के बराबर होता है, यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है। आपका दर्पण द्वारा बने के दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र है। किसका सूत्र है, रेखीय आवर्धन का। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपके पास हमारी नए नए वीडियो हमेशा पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट लास्ट।